हेलो एवरीवन, चलो यहाँ पे हम ये लास्ट वीडियो है पजल के इंट्रोडक्शंस के जो सीरीज हम शुरू किए थे। पहले तीन वीडियोस हो चुके हैं, ये फोर्थ और लास्ट है। शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे हम वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पहले टाइप है। 12 पीपल आर लिविंग इन ए फोर स्टोरी बिल्डिंग एंड द फ्लोर्स आर नंबर 1 to 4 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब हमारी बटम मतलब ये हो गया सबसे नीचे वाला पार्ट, और टप हो गया ये सबसे ऊपर वाला, और हमारी 1 to 4, 1 2 3 4 ऐसे करके नीचे से ऊपर तक काउंटिंग किया गया है। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। देन ईच फ्लोर हैज 3 फ्लैट्स नंबर्ड 1 to 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट मतलब हमारे ये वाला है और राइट मतलब ये वाला है। लेफ्ट एंड से लेके राइट एंड तक 1 2 3 करके काउंटिंग किया गया है। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो ऐसे हम बिठाएंगे और बाकी जो इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा वैसे करके हम बिठाते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी एंड बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम नंबर्ड फ्लैट। मतलब ए और बी जो है उन दोनों में 2 फ्लोर की गैप है। ये फ्लोर्स होते हैं ना, अभी ए ऊपर बी नीचे हो सकता है या फिर बी ऊपर ए नीचे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। पर बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम नंबर फ्लैट। मतलब फ्लैट मतलब हमारे क्या है, ये जो कलम्स है, ये फर्स्ट नंबर फ्लैट है, ये सेकेंड नंबर फ्लैट है और ये थर्ड नंबर फ्लैट है। तो ये सेम फ्लैट के नहीं हो सकते। मतलब अगर ए यहाँ पे बैठे हैं और 2 फ्लोर छोड़ के, मतलब ये वाला फ्लोर और ये वाला फ्लोर, ये दोनों फ्लोर छोड़ के बीस फ्लोर में होगा कहीं पे, पर 1 नंबर के फ्लैट में नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो 2 में होगा या फिर 3 में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ए एंड सी आर हैविंग सेम नंबर ऑफ फ्लोर्स एंड ए इज वेस्ट ऑफ सी बट नॉट एडजेसेंट। अच्छा, ए और सी के जो फ्लोर से, अभी फ्लोर का हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और फ्लैट को ऐसे 1 2 3 करके नंबरिंग कर लेते हैं। ए और सी के जो फ्लोर नंबर है वो दोनों सेम है, मतलब एक ही फ्लोर पे बैठे हैं। अगर सपोज 4 नंबर फ्लोर पे ए बैठे हैं तो सी भी यहीं पे बैठे होंगे, और ए सी के वेस्ट को बैठे हैं। मतलब सी अगर यहीं पे यहाँ बैठे होंगे तो उनके वेस्ट मतलब क्या, ये साइड वेस्ट है तो यहाँ पे ए बैठे हैं। ऐसे होते हैं ना हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो सी के वेस्ट कौन सा साइड है, ये साइड, यहाँ पे ए बैठे हैं पर एडजेसेंट नहीं बैठे। मतलब ए का फ्लोर और सी का फ्लोर पास पास में नहीं है। तो अगर ऐसे में अगर सपोज 4 फ्लोर में बैठे हैं वो, तो ये यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक कम से कम एक फ्लोर की गैप रहना तो जरूरी है। वो बोले कि नॉट एडजेसेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चलो कंपैरिजन को आते हैं। कंपैरिजन मतलब क्या, कोई किससे बड़ा होगा, कोई किससे छोटा होगा, या फिर रैंकिंग में हो सकता है कि किसी का हायर रैंक पोस्ट होगा, किसी का लोअर रैंक का पोस्ट होगा, या फिर कोई किससे टॉलर होगा, कोई किससे शॉर्टर होगा, या फिर वेट में किससे ज्यादा होगा और कम होगा, इस तरह की चीजें कंपैरिजन के अंडर आता है, ठीक है। तो 8 पीपल आर बॉर्न इन डिफरेंट डेज ऑफ ए ईयर, द मंथ्स इन व्हिच दे वर बॉर्न वर जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल। तो हमारे यहाँ पे पहले मंथ्स के नाम लिख लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। The dates were 24th and 27th of this month. मतलब जनवरी के 24th है, 27th है, वैसे ही फरवरी के भी 24th and 27th है, मार्च के भी वैसे 24th, 27th है, अप्रैल के भी 24th, 27th है। ये हो गया इसका मतलब, जिस तरह की वो बिठाना चाहता है। फिर हम वो जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि यहाँ पे पैदा हुआ है, वो उस मंथ में उस डेट में पैदा हुए हैं, या फिर ऐसे
हम ये वाला फिलअप करते जाएंगे क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब। वैसे एक और तरीके से भी नॉर्मली लोग करते हैं कि यहाँ पे ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पे 24, 27 ऐसे करके भी करते हैं। पर यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, सपोज बोले, सपोज ए जनवरी 24 को पैदा हुए हैं और बोले हैं कि दो इंसान पैदा हुए हैं जो ए और बी के बीच है, तो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है और हम दो मतलब ये दोनों गैप रख के यहाँ पे बी को पुट कर लेते हैं, थोड़ी एब्सेंट माइंडेड में होते हैं। तो इसलिए अगर मतलब एक्चुअली क्या करना चाहिए था, यहाँ पे काउंट करना चाहिए था और यहाँ पे दो काउंट करना चाहिए था और बी को यहाँ पे पुट करना चाहिए था, तो इस तरह की कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है गलती से। तो इसलिए हमने ये वाला रो ले लिए, सॉरी ये वाला कलम ले लिए, ताकि आसानी से हम एक मतलब दोनों ही काउंट करके यहाँ पे बी को पुट कर सके, इस तरह की कन्फ्यूजन जैसे ना हो। इसलिए हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे टेबल बना के करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू ई एंड स्टॉप्स फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ मिनट्स एट बी, सी एंड डी थ्रू इट्स जर्नी। मतलब एक ट्रेन है जो कि ए से लेके ई तक जाता है और बीच में कहाँ कहाँ रहता है, बी सी और डी, बी सी और डी ये तीन स्टेशन बीच में आते हैं, तो यहाँ पे वो कुछ लोग कुछ समय के लिए स्टॉप होता है और वो सारे टाइम भी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले स्टेशन के नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई, और हमारे एक बोले हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ मिनट्स दे स्टॉप होते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप्स के मिनट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे तो वो शुरू किया होगा ना, तो यहाँ पे कुछ स्टॉपेज के मिनट नहीं हो सकते, बी में पहुंचेगा और छोड़ेगा, तो पहुंचने की और छोड़ने के बीच के जो टाइम है कुछ स्टॉपेज के मिनट होंगे, सी में भी ऐसे कुछ आएंगे, फिर डी में भी कुछ ऐसे आएंगे, और ई में, ई में तो जाके वो रह जाएगा ना, इससे आगे तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे स्टॉपेज टाइम नहीं आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोले, हेंस हैविंग डिफरेंट अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। अराइवल का मतलब जिस टाइम में वो पहुंचता है ट्रेन एक स्टेशन में, और डिपार्चर का मतलब जिस टाइम से वो आगे स्टेशन को निकलता है वो डिपार्चर टाइम है। डिपार्ट मतलब क्या, अलग होना, और एक स्टेशन से वो अलग होके दूसरे स्टेशन की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो वो किस टाइम पे स्टार्ट करता है, वो डिपार्चर टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अराइवल के कलम रख लेते हैं और यहाँ पे डिपार्चर के कलम रख लेते हैं। तो जैसे भी जब भी क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के, तो यहाँ पे सपोज ए का तो अराइवल नहीं हो सकता क्योंकि ए से तो निकला है, तो ए का कौन सा टाइम होगा, डिपार्चर टाइम होगा। सपोज ये 10:30 हो गया, ऐसे 10:30 बजे वो ट्रेन निकला और फिर बी तक पहुंचते पहुंचते उसके 2 घंटे लग गए, मतलब 12:30 हो गए, ठीक है। और सपोज इसमें यहाँ पे जो वो रुके वो शायद 20 मिनट के टाइम लिए, तो 20 मिनट रुके यहाँ पे, तो जब डिपार्ट के टाइम होंगे तो वो डिपार्चर टाइम कितना होगा, 12:50 को डिपार्ट होगा यहाँ पे, और सपोज 3 घंटे लगे सी तक पहुँचने में, तो यहाँ पे 3:50 को अराइवल होगा, तो इस तरह के होते होते जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते, देर आर 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी एंड ई ऑल आर डिफरेंट हाइट्स, ए इज टॉलर देन सी। ओके 5 दोस्त है जिनके अलग अलग हाइट है और यहाँ पे पहला बोले हैं कि ए इज टॉलर देन सी, मतलब हमारे ए यहाँ पे है जो कि सी से टॉलर है, बी इज शॉर्टर देन ई, मतलब ई बड़ा है और बी छोटा है, ठीक है। नेदर ए नॉर ई इज टॉलेस्ट। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर हम टॉलेस्ट को ढूंढे, टॉलेस्ट पर्सन कौन है, तो कौन आएगा, अभी सी या फिर बी तो नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इनसे बड़ा कोई ना कोई है, जो टॉलेस्ट होगा उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो सी और बी कैंसिल हो गए और यहाँ पे वो स्टेटमेंट डायरेक्टली दे दिए कि नेदर ई नॉर ए आर टॉलेस्ट, मतलब ए या फिर ई के बीच में तो कोई नहीं हो सकता, मतलब ये 4 हो गए चले गए,
तो कैंसिल हो गए, तो डी ही बचा जो कि सबसे टॉलेस्ट होगा, तो डी टॉलेस्ट है। उसके बाद चार आ जाते हैं, टोटल पांच हो जाएंगे ना। अच्छा नेक्स्ट क्या बोले, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर टॉलर देन ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर शॉर्टर देन बी। मतलब ए से टॉलर जितनी सारे होंगे उतनी सारे बी से शॉर्टर होंगे। ये जो नंबर और ये जो नंबर, ये इक्वल होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर टॉलर देन ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर शॉर्टर देन बी। ठीक है, अच्छा ए से एक ना एक तो बड़ा होगा ही, मतलब बी से एक कोई ना कोई छोटा होगा ही। अभी बी का अगर लेंगे, उससे कोई ना कोई छोटा है और उससे बड़े दो है, एक तो ई है और डी है। ई का तो लिया है और डी तो सबसे बड़ा है, तो बी से भी तो बड़ा ही है। अच्छा बी की पोजीशंस मतलब यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, इन दोनों में से कहीं पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो लिखा है कि बी से जितने लोग छोटे हैं ए से उतने लोग बड़े हैं। बी से दो लोग छोटे हैं, ए से दो लोग बड़े हैं, मतलब ए को भी यहाँ पे ले रहना होगा और दोनों एक जगह पे तो नहीं रह सकते, तो ये कैंसिल हो गया। मतलब हमारी बी कहाँ पे है, यहाँ पे, और अगर बी यहाँ पे है तो ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे। बी से एक ही इंसान छोटा है और ए से एक ही इंसान बड़ा है। ठीक है, अच्छा तो और क्या दिए है, ए इज ग्रेटर देन सी और ई इज ग्रेटर देन बी। अच्छा ई यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि ई बी से बड़े है, मतलब यहाँ पे रखेंगे और बचा कौन, सी जो कि यहाँ पे रखे रहेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहीं पे डी ए ई बी सी, यही अरेंजमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, मतलब थर्ड टॉलेस्ट कौन है, ये टॉलेस्ट है, ये फर्स्ट टॉलेस्ट, ये सेकंड टॉलेस्ट और ये थर्ड टॉलेस्ट। थर्ड टॉलेस्ट में फिर कौन है, ई, मतलब हमारा आंसर ई है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था और पजल के इंट्रोडक्शन के सीरीज के भी लास्ट वीडियो थे। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। हम जब क्वेश्चंस करते जाएंगे तो एक एक करके आपको ये सारे टर्म्स वहां पे यूज होंगे क्वेश्चंस में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी फिर समझने में। फिर भी अगर कुछ और तरह के आपने देखे हो और समझ नहीं पाए हो तो कमेंट में बताइए, मैं उन सब की क्लैरिफिकेशन दे दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, और ये इतना ही था। थैंक यू।